गणेश जी कहीं भी लगा सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। गणेश जी बेसिकली करते क्या है, पर्पस क्या है गणेश जी का? रिद्धि सिद्धि, दिमाग, जुगाड़। गणेश जी किस चीज के लिए फेमस है? देखो, रेमेडीज जब आप डिजाइन करोगे ना, तो रेमेडी के लिए आपको देखना है कि वो पर्पस क्या है, वो किस चीज, मतलब उनके अंदर फील क्या है। अब जैसे गणेश जी हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो गणेश जी केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? केतु होता है स्टार्टर, तो गणेश जी भी हो गए स्टार्टर। किसी भी प्रोसेस को शुरू करने के लिए हम क्या बोलते हैं, भाई साहब श्री गणेश करो। सुना है ना कि चलो यार श्री गणेश कब करना है, या श्री गणेश करो, तो मतलब स्टार्ट करो। गणेश जी इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है? तो किसी भी प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले गणेश वंदना भी की जाती है, और गणेश जी केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु होता है स्टार्टर। आपने पुराने समय में ट्यूबलाइट्स देखी होंगी, स्टार्टर लगा होता था बचपन में, वो खेल खेले कि स्टार्टर निकाल लिया फिर भी लाइट जल रही है, और अपने छोटे भाई बहनों को दिखाते थे कि भाई देख मैंने ले लाइट, जादू है ये, मैं तो बड़ा करा है। तो ना वो स्टार्टर, अगर स्टार्टर निकाल लो और फिर आप लाइट जलाओ तो क्या जल जाएगी? नहीं जलेगी। जैसे ही आप स्टार्टर उसमें टच करोगे एकदम जल जाएगी, उसके बाद स्टार्टर का यूज खत्म। तो ऐसे ही गणेश जी हैं, तो जहां आप रख देते हो गणेश जी, उस जोन की वो जोन एक्टिवेट हो जाता है, बार बार पॉपअप होने लगती है उस जोन की चीजें, उस जोन की चीजें बार बार पॉपअप होने लगती हैं। अब जैसे आपको एक बड़ा तगड़ा रहस्य बताता हूं, आप गणेश जी की जो फिगर है उसे आप एक स्टार्टर मान लो, भूल जाओगे वो भगवान है या क्या है, बस वो एक स्टार्टर है, आप उसे स्टार्टर मान लो। नॉर्थ ईस्ट आइडियाज देता है, इनसाइट्स देता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप गणेश जी रखोगे तो आपको आइडियाज आएंगे, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में दो गणेश जी रखोगे तो क्या होगा? दो आइडियाज आएंगे। सिंपल लैंग्वेज में भाई, गणेश जी का पर्पस है प्रोसेस को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, क्योंकि ज्योतिष में भी केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, और केतु होता है स्टार्टर, इनिशिएटर। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आप गणेश जी रखोगे, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप गणेश जी रखोगे तो गणेश जी नॉर्थ ईस्ट में क्या करेंगे, आपको आइडियाज देना चालू करेंगे, इनसाइट्स देना चालू करेंगे। इनके घर में नॉर्थ ईस्ट में दो गणेश जी हैं, एक बाहर लगे हैं एक अंदर लगे हैं, तो बेसिकली तो दो हो गए ना। इनके घर में नॉर्थ ईस्ट में दो गणेश जी हैं। इन्होंने बात क्या बोली, मैं एक काम करता हूं, 6-8 महीने बाद मुझे लगता है कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं कुछ और, दूसरा आइडिया आ गया ना कि नहीं ये नहीं कुछ और, मैं वहां। ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है कि मैं अभी ढूंढ रहा हूं मुझे करना क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट में दो गणेश जी मना किए जाते हैं कि नहीं रखने, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में दो रखोगे तो एक साथ दो आइडिया आएंगे कि तू गेहूं का काम भी कर ले, तू गोल्ड का काम भी कर ले, तू लकड़ी भी बेच ले, तू पेपर भी बेच ले, दो 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 आइडियाज है। तो दिमाग कहां पे है, ऑफिस में गेट पे तो 4 आइडिया हो जाएंगे। 4 आइडिया हो जाएंगे ऑफिस में भी, मल्टीपल आइडियाज, कंफ्यूजन। एक साथ दो आइडिया का मतलब है कंफ्यूजन। सिंपल, मेरे दिख रहे दो गणेश जी, नॉर्थ डायरेक्शन में दो गणेश जी रखोगे तो इकट्ठे दो क्लाइंट तो अच्छे हैं ना भाई। नॉर्थ में गणेश जी रखोगे तो वो आपको खाली नहीं बैठने देंगे कभी भी। नॉर्थ में गणेश जी क्या करेंगे, नॉर्थ को स्टार्ट करेंगे, भाई प्रोडक्ट बना, दो प्रोडक्ट अच्छे हैं, 4 प्रोडक्ट अच्छे हैं किसी व्यक्ति के पास, 6 प्रोडक्ट अच्छे हैं। वेस्ट में मल्टीपल गणेश जी रख दोगे, 4-6 गणेश जी रख दोगे वेस्ट में, तो मल्टीपल गेन्स अच्छा है, तो रख सकते हो, नहीं रख सकते? सिंपल सी, जोन के सिंपल, हिसाब से जोन के उसको हिसाब से डिसाइड कर लो, जोन के हिसाब से डिसाइड कर लो। अब आपके पास अगर क्वांटिटी में गणेश जी हैं, मैडम के पास, तो सारे वेस्ट में रख दो। अगर मल्टीपल गणेशा घर में है, मल्टीपल गणेश जी वेस्ट में रख दो, मल्टीपल गेन्स लाइफ में एंजॉय करने लग जाओगे आप। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में रखने से क्या होगा, एक साथ दो आइडियाज मतलब कंफ्यूजन। सिंपल। हाँ अच्छा, मजे की बात पता क्या है, एक बाबा ने बोल दिया कि दो गणेश जी घर में नहीं होते,
वो बेचारे सारे उसी में लगे हुए हैं, खोदा खादी कोई कर नहीं रहा कि क्यों नहीं। ये कॉन्सेप्ट है, ये रियलिटी है, थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मान लो किसी को बहुत तगड़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, और इतनी तगड़ी कि उसको डॉक्टर के जाने की जरूरत है। आप साउथ साउथ वेस्ट में गणेश जी रख दो, डिस्पोजल की प्रक्रिया तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और आधे पौने घंटे में वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद हटा देना, सिंपल। और वैसे अगर किसी के घर में डिस्पोजल में गणेश जी होंगे, तो क्या होगा, डेली 24 घंटे डिस्पोजल, एक चीज खराब हुई वो ठीक कराएगा, दूसरी खराब वो ठीक कराएगा, तीसरी खराब वो ठीक कराएगा, चौथी खराब। लेकिन इसको बेनिफिशियल यूज में कैसे ले सकते हो, किसी के बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, आधे घंटे के लिए रखवा दो, वो फ्रेश हो जाएगा, गारंटी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखवा दो तो भी फ्रेश हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एक गणेश, दो गणेश, अब आप कर लोगे कि एक कहां लगाने हैं, दो कहां लगाने हैं, 10 कहां लगाने हैं।